से स्वागत है आप सभी का। आप है इस वक्त हमारे साथ जीटी न्यूज झारखंड में। नजर डालते हैं आज एक खास खबरों पर। घासला प्रखंड के 5 वैक्सीन सेंटर में रविवार को 18 प्लस के 1655 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का पहला डोज दिया गया। घासला के बड़ा झूड़ी पंचायत मंडप में 210, कासिदा पंचायत में 349, जेसी हाई स्कूल में 450, उल्दा पंचायत में 220 एवं मोहडा पंचायत में 430 लोगों को वैक्सीन दिए गए। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी कुमार एस अभिनव, प्रमुख हीरा मुनि मुर्मू, जिला परिषद सदस्य पूर्णिमा कर्मकार, उप प्रभारी सोनू कुमार ने वैक्सीन सेंटर का जायजा लिया। वैक्सीन सेंटर में लोगों के भीड़ को कतारबद्ध तरीके से शारीरिक दूरी के अनुपालन करवाते हुए खड़े करवाए गए। घासला के जेसी स्कूल वैक्सीन सेंटर में थाना प्रभारी इंद्रदेव राम ने जाकर जायजा लिया तथा वहाँ प्रतिनिधि पुलिस जवानों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। घासला से रिपोर्ट सिद्धार्थ आनंद की। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा महोत्सव को लेकर आज जमशेदपुर स्थित बारद्वारी गांधी आश्रम में श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु रथ यात्रा महोत्सव समिति गांधी आश्रम न्यू बारद्वारी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आयोजन समिति के एवं आश्रम के मुख्य सदस्य श्री शंभु मुखी डुगरी ने किया। इस बैठक में समिति के सदस्य ने कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया और आगे की रणनीति तय की। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा की। नमस्कार, जोहार, जय जगन्नाथ। आज गांधी आश्रम परिषद में पूरी के तर्ज में जो प्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, उस रथ यात्रा की तैयारी को लेकर एक विशेष प्रेस वार्ता बुलाया गया है। इस प्रेस वार्ता में हमारे सलाहकार श्री घनश्याम आनंद जी, जयसागर बागदल जी, मित्र प्रधान जी, मुखिया गोविंदो डांग जी, संतोष सेठ जी, सानंद बघार जी, प्रहलाद नाथ जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम सभी लोगों का इस अवसर पर स्वागत करते हैं और हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि जिस तरह से विश्व महामारी चल रहा है, इस महामारी को ध्यान में रखते हुए हम लोग भगवान जगन्नाथ जी का जो नगर भ्रमण क्या करते थे, वो नगर भ्रमण को हम लोग नहीं करेंगे। और भगवान जगन्नाथ जी का जो कार्यक्रम है वो आपका 15 मई से आपका अक्षय तिथि का 3 से आरंभ हो चुकी है। रथ की परंपरा शुरुआत मैंने बनना चालू हो चुका है और 24 जून को नेत्र उत्सव मनाया, देवस्नान पूर्णिमा मनाया जाएगा। उसके उपरांत 9 जुलाई को नेत्र उत्सव मनाया जाएगा और 12 जुलाई को गुंडीचा रथ यात्रा मनाया जाएगा, जो हमारे आश्रम में ही मनाया जाएगा। बाहर के लोगों को इसमें प्रवेश नहीं किया जाएगा। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए, सरकारी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए, जिला प्रशासन के गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए इस सारे कार्यक्रम को हम लोग समापन करेंगे और 20 जुलाई को इसका समापन होगा, जो मोसीबाड़ी से भगवान जगन्नाथ वापस अपने श्रीकृष्ण धाम को रिटर्न आएंगे। भारतीय जनता पार्टी पूर्वी सिंहभूम जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती के स्थान में एवं जिला के प्रभारी नंद जी प्रसाद के मुख्य उपस्थिति में जिला के पदाधिकारी, मोर्चा के जिला अध्यक्ष और महामंत्री मंडल के अध्यक्ष एवं महामंत्री के साथ वर्चुअल बैठक किया गया। बैठक में जिला अध्यक्ष सौरभ चक्रवर्ती एवं जिला के प्रभारी नंद जी प्रसाद ने संबोधित किया। बैठक में प्रदेश नेतृत्व द्वारा निर्देशित कार्यक्रमों के विषय पर चर्चा किए गए। सभी कार्यक्रमों के पूर्वी सिंहभूम जिला द्वारा जिला के प्रभारी नियुक्त किए गए। आगामी 23 जून को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति दिवस कार्यक्रम के प्रभारी जिला अध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, 23 जून से 6 जुलाई तक पार्टी द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के प्रभारी जिला मंत्री गौर चंद्र पात्र, 23 जून से 6 जुलाई तक प्लास्टिक मुक्त अभियान के प्रभारी महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष माला दे, 27 जून मन की बात कार्यक्रम के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष मनोज प्रताप सिंह, 23 जून फूल दिवस कार्यक्रम के प्रभारी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के जिला चंदन सिंह मुंडा तथा 6 जुलाई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती कार्यक्रम के प्रभारी जिला उपाध्यक्ष विजय पांडे, साथ ही भारतीय जनता पार्टी जिला पूर्वी सिंहभूम द्वारा सभी कार्यक्रम के लिए प्रत्येक मंडलों के पदाधिकारी भी बनाए गए। घाटशिला से रिपोर्ट सिद्धार्थ। जमशेदपुर के परसुली थाना अंतर्गत करंडी चौक पर ट्रैफिक पुलिस की सख्ती, जहां झारखंड सरकार स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान रखते हुए रविवार को संपूर्ण लॉकडाउन किया गया, वहीं प्रशासन बेवजह घूमने वाले लोगों से सख्ती से पेश आया और बेवजह घूमने वाले वाहनों पर चालान कटा गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट सरदार खान। झारखंड सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देश में आज संपूर्ण लॉकडाउन है, जिसके कारण जितने भी वाहन जा रहे हैं, जितने भी पैसेंजर बैठे हैं, लोगों का ई पास बना है कि नहीं, ई पास की चेकिंग हो रही है, फिर साथ ही साथ हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का जो भी कागजात हैं आवश्यक कागजात की चेकिंग जारी है। सर, बहुत ऐसा गाड़ी है जो बेवजह घूम रही है या जिसके पास पास नहीं है, तो उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? जैसे बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो बिना ई पास के चल रही हैं, तो उन लोगों का जो है उन लोगों से जुर्माना वसूला जा रहा है, बाकी लोगों से पर्पस पूछा जा रहा है कि आप किस पर्पस से बाहर निकल रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हॉस्पिटल जा रहे हैं, कोई बोल रहा है कि मेडिकल जा रहे हैं, तो फिर उन लोगों से पूछताछ कर उन लोगों को छोड़ दिया जा रहा है।
गायत्री परिवार पूर्वी सिंहभूम जिला के द्वारा आज मां गायत्री की जयंती के उपलक्ष में समस्त विश्व के 87 देशों के अतिरिक्त देश के 4500 गायत्री शक्तिपीठ में मां गायत्री जयंती के उपलक्ष में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ब्लड बैंक में गायत्री परिवार के युवा प्रकोष्ठ के नव युग दल के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। जमशेदपुर से रिपोर्ट कृष्णा शर्मा की। मेरा नाम संपूर्ण दुबे, अखिल विश्व गायत्री परिवार नवयुग दल युवा प्रकोष्ठ टाटा नगर के तत्वाधान में 45वां हमारा रक्त दिवस रक्तदान शिविर है जो ब्लड बैंक में लगाया है। और आज विशेष इसलिए है कि आज गायत्री जयंती का पावन पर्व है। आज भगवती माँ गायत्री का इस उपलक्ष्य में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और साथ ही हमारा अखिल विश्व गायत्री परिवार आज पूरे विश्व में गायत्री जयंती का पावन पर्व मना रहा है। आज के दिन हम लोगों ने पूरे विश्व में हम लोगों ने एक अभियान के तहत सेवा के क्षेत्र में एक प्रमुख कार्य ये संपन्न करने जा रहे हैं। ये 2007 से ये हमारा निरंतर अभियान चल रहा है। हर 3 महीने 4 महीने पर गायत्री नवयुगल युवा प्रकोष्ठ की ओर से नवयुगल युवा प्रकोष्ठ की ओर से ये हमारा 45वां रक्तदान शिविर है। और आज 2007 से हम लोग निरंतर हर 3 महीने 4 महीने पर ये शिविर आयोजित करते हैं शहर के क्या किसी न किसी क्षेत्र में। ये शिविर लॉकडाउन के कारण और कोरोना के जो त्रासदी है उसके कारण ये ब्लड बैंक में आयोजित किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य है आज चूँकि लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है और आज रविवार का दिन है तो पूरी तरह हमारा शहर बंद है, फिर भी हम लोगों ने एक लक्ष्य बनाया है और लोगों से निवेदन किया है कि 108 यूनिट रक्त का आज हम लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि 108 यूनिट रक्त आज संग्रह करेंगे और ब्लड बैंक को देंगे। हम लोग ने पूरे इस शहर में इस तरह आयोजन करके जो निरीह लोग हैं, असहाय लोग हैं, जिनको जिनके पीछे कोई नहीं खड़ा होता है, गायत्री परिवार ऐसे लोगों को जब उनको रक्त की आवश्यकता होती है तो उसकी पूर्ति करता है और उनको सहायता के लिए हम लोग उपलब्ध रहते हैं। अन्य भी हमारे बहुत सारे कार्यक्रम हैं। 7 आंदोलन के माध्यम से हम समाज में अपने आप को समाज नवजागरण का काम करते हैं। और हमारा जो प्रमुख आंदोलन है उसमें साधना है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, नारी जागरण है, पर्यावरण है, व्यसन उन्मूलन उन्मूलन है, स्वावलंबन है। ये हमारे प्रमुख आंदोलन है जिनके माध्यम से हम समाज के हित में काम करते हैं। लोगों की आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो इस दिशा में हम लोग हमेशा सचेष्ट रहते हैं। हमारा जो लक्ष्य है मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, इसकी प्राप्ति के लिए धर्म तंत्र से लोक शिक्षण का काम। मोहभंडार बाजार समिति एवं स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त प्रयास से मोहभंडार बाजार परिसर में लगातार दूसरे हफ्ते वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस दौरान वैक्सीनेशन के पश्चात स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को पैरासिटामोल एवं ORS का पैकेट दिया गया। बाजार समिति ने वैक्सीन लगाने के लिए लोगों को जागरूक किया ताकि कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। मौके पर समिति के अध्यक्ष काल्टू चक्रवर्ती, सचिव रवि सिंह, कोषाध्यक्ष सूरज प्रसाद, अशोक अग्रवाल, रामदास हांसदा, करुणाकर महतो, अमिताभ सिंह, मंजर हुसैन, अहमद हुसैन, फारूक सिद्दीकी समेत कई लोग उपस्थित थे। GTN के लिए सिद्धार्थ आनंद की रिपोर्ट। आज मोहभंडार बाजार समिति की ओर से लगातार तीसरा चौथा बार जो है सभी हमारे बाजार के मेंबर को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जिन्होंने जो पब्लिक है उसको तकलीफ को देखते हुए अपने सारे कामकाज को छोड़ के जो भागीदारी दे रहे हैं, आप देख रहे हैं सरकारी गाइडलाइन का पूरा पालन हो रहा है, जो है सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए। और इस आपको जानकारी होगा जो भ्रांतियाँ थी जो वैक्सीनेशन के लेके हम लोग काफ़ी हद तक हम लोगों का जो प्रयास सफल रहा, जिसके कारण आज काफ़ी लोग जो है बढ़ चढ़ के जो हिस्सा ले रहे हैं, यही हम लोग के लिए सौभाग्य की बात है। और इस तरह का कार्यक्रम जो है आगे भी चलता रहेगा, इसी तरह का सहयोग हम लोग सभी से यही
माने मांग करेंगे कि इसी तरह का जो है आप लोग सहयोग बना के रखिए, ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी हो हम लोग जो है बढ़ चढ़ के उसमें अपना भागीदारी निभाएंगे। जमशेदपुर के साक्षी में महिला की पर्स चोरी करते दो नाबालिग लड़की को लोगों ने धर दबोचा। काफी पूछताछ के बाद लोगों ने उन दोनों लड़कियों को साक्षी थाने के सुपुर्द कर दिया। जमशेदपुर से मोहम्मद कलीम की रिपोर्ट। सरायकेला के SDPO राकेश रंजन आज आदित्यपुर थाने का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने थाना के कार्य प्रणाली, केस संबंधित फाइलें, मालखाना की जांच की। इससे पूर्व थाना में SDPO राकेश रंजन को जवानों एवं पदाधिकारियों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहीं SDPO ने बताया कि यह एक सालाना औपचारिक निरीक्षण है। आदित्यपुर से रिपोर्ट मुकेश श्रीवास्तव की। रूटीन वार्षिक निरीक्षण होता है थाने का, वो किया जा रहा है और वो करने के बाद अभी शुरुआत की है। जब हम लोग थाने के वर्किंग के हर एक पहलू को हम लोग निरीक्षण करेंगे और जो भी सुधार हो सकती है उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।